Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए candle wax reading लेकर आई हूँ, जिसका topic है कि आपके partner किसको choose करेंगे, आपको या फिर third party को. So pile selection के लिए यहाँ पर मेरे पास दो option है. This is pile number one and this is pile number two. आपको इस pile को अपने नाम के first alphabet से choose करना है. सो पाइल नंबर वन में ए सी ई एफ एच जे एल एम पी क्यू एस टी यू है एंड पाइल नंबर टू में बी डी जी आई के एन ओ आर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है. ठीक है. सो जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है फॉर पाइल नंबर वन. आपके पार्टनर किसको चूज करेंगे, आपको चूज करेंगे कि थर्ड पार्टी को चूज करेंगे. लेट्स सी दैट. मैं कैंडल लिट कर लेती हूं, तब तक आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं आप तक आपके पार्टनर की एनर्जी को कंप्लीटली पहुंचा पाऊं, मैं आपको उनकी एनर्जी से बता पाऊं कि वो किसको चूज करेंगे, आपको चूज करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को चूज करेंगे. लेट्स सी, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर वन. सबसे पहले तो आपके पार्टनर के जॉडिक साइंस में चेक करना चाहूंगी. देखते हैं, यहां पर आपके पार्टनर के जो जॉडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और फिर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस. आपके पार्टनर जो हैं वो आप में और इस थर्ड पार्टी में बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं. वो कभी आपके बारे में सोचते हैं, कभी इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं और जो भी वो सोचते हैं वो प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, इमोशनल होकर नहीं सोचते हैं और जगल करते जा रहे हैं वो आपके बीच में और इस थर्ड पार्टी के बीच में. कंप्लीट जगलिंग एनर्जीज में है क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है दोबारा से जिसकी वजह से आपकी पार्टनर की एनर्जीज डिस्टॉर्ट हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज एक डिप की ओर बढ़ रही हैं, ये मैं महसूस कर पा रही हूं. आपके पार्टनर अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को किसी के सामने ओपन नहीं करना चाहते हैं. आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसे नजर आ रही हैं कि उन्हें सफोकेशन हो रही है. आपके पार्टनर ने कुछ टाइम पहले एक चुनाव बनाया था कि वो आपकी ओर बढ़ रहे थे. ठीक है, ये भी उनकी एनर्जी में नजर आ रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो आपकी तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे थे. लेकिन अब आपके पार्टनर को ये बात का एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर एक डाउन एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं. आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि जब वो आपकी तरफ को बढ़ रहे थे तो वो अपने आप में बहुत ही केयरफ्री महसूस कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि वो इस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं. आपके पार्टनर तो बहुत पहले आपको चूज कर चुके थे, आपके पार्टनर ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और आप ही की तरफ को बढ़ेंगे. इससे उनका एक इमोशनल बैलेंस भी बन रहा था. और
अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर दोबारा से एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी इमोशंस की टर्म में आपके पार्टनर की महसूस की जा सकती है, यहां पर नजर आ रही है। और आपके पार्टनर अब उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर ये थर्ड पार्टी उन्हें लेकर जाना चाहती है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन खुशी से बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। एक सक्सेस की एनर्जी आप बहुत जल्द देखने वाले थे क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्ट हो रही थी, लेकिन अब डाउन की तरफ को आपके पार्टनर की एनर्जी जा रही है और जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है शायद अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कम्युनिकेट किया था तो आपके पार्टनर अब आपके साथ सेपरेशन जोन में जा सकते हैं। अचानक से होगा, अचानक से आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे या अभी अभी रिसेंटली आपके पार्टनर ने ऐसा किया भी होगा। उसका रीजन ये है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर कंप्लीटली हावी हो चुकी है और आपके पार्टनर सिर्फ अपनी एनर्जीज को बचाने की कोशिश करते रहे। आपके पार्टनर कब इस एनर्जी की टर्म्स में इस थर्ड पार्टी के पास चले गए उन्हें खुद भी नहीं इस बात का एहसास हुआ। इस वजह से आपके पार्टनर कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करते हैं। अगर चॉइसेस की बात करें, अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में हो तो वो डेफिनेटली आप ही को चूज करेंगे क्योंकि वो ये चुनाव बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते को दो मुहे सांप की तरह डस रही है। ये एक नया साइकिल अगेन आपका आपके पार्टनर के साथ स्टार्ट हुआ है जहां पर आपके पार्टनर दोबारा से एक डिप की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आपके पार्टनर को फिर बहुत टाइम लगेगा आपका चुनाव करने के लिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो जिस टाइम पर ये चुनाव कर चुके थे कि उन्हें आपकी तरफ को मूव करना है वो बहुत खुश थे और अब उतना ही ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही बुरी तरह से एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनकी परिस्थितियां क्यों बदली हैं इस चीज का जवाब आपके पार्टनर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आंख बंद करके बैठे हैं, वो इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में जब ये अंधकार मिटने वाला था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर दोबारा से उसी अंधकार में डूब गए। इतनी चेतना अभी भी आपके पार्टनर के अंदर जागृत है लेकिन वो इस एनर्जी को फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। चुनाव बिल्कुल सिंपल है, जब आपके पार्टनर आपकी और अपनी बात सोचते हैं या अपनी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं वो चुनाव आपका ही करना चाहते हैं, लेकिन हालात उनके सामने इस तरह के खड़े किए जाते हैं कि आपके पार्टनर आपको नहीं चुन पा रहे हैं। उनकी चाहत है आप, लेकिन ये चाहत कब उनसे दूर हो जाती है उन्हें समझ ही नहीं आता है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये बदलाव आपने भी जरूर महसूस किया होगा। आपके पार्टनर की डायरेक्शन ये अभी कुछ रीसेंट में हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अब चुनाव की स्थिति में नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं वो किसको चुनेंगे, वो इस स्थिति में नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी एनर्जी की स्थिति में है। वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में फंस चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी यहां पर क्लियरली समझ आ रही है। आपके पार्टनर और आपके लिए कुछ मुश्किलें इस थर्ड पार्टी ने खड़ी की हैं जिसके चलते आपके पार्टनर की एनर्जी लो हो रही है।
आपके पार्टनर की हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है, उनके सोचने समझने की ताकत कम होती जा रही है। सही फैसला लेते लेते भी आपके पार्टनर एकदम से चेंज हो गए हैं, ये एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। तो अभी के टाइम पर तो ये क्वेश्चन ही यहां पर गलत है कि आपके पार्टनर किसको चुनेंगे। आपके पार्टनर इस परिस्थिति में नहीं है कि वो किसी का चुनाव कर पाए। वो एक फुटबॉल की गेंद की तरह हो गए हैं। कभी एनर्जी जब अप होती है तो आपकी तरफ को मूव करते हैं, जब डाउन होती है तो इस थर्ड पार्टी की तरफ को मूव करते हैं। उनकी एनर्जी स्टेबिलिटी में नहीं आ रही है। इस थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर कंप्लीटली हावी हो गई है। मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके पार्टनर के जो डिसीजंस हैं वो ये थर्ड पार्टी बना रही है। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ मूव करते करते कोई गलती की है, इस वजह से ये डिप आया है एनर्जीज में, और ये डिप महसूस होगा, आपको भी डेफिनेटली महसूस होगा। आपके पार्टनर अब ट्रैप्ड फील करेंगे, अभी इस डिप की शुरुआत हुई है। जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है, आपसे मैं क्लियरली कहना चाहती हूं, आपके पार्टनर इस टाइम पर आपका चुनाव या किसी का भी चुनाव करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर डिप की एनर्जीज में है। यहां पर अगर वो आपको चुन भी लेते हैं तो आपकी तरफ को बढ़ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो चुनाव उनका अपना नहीं है, इस थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से ये चुनाव उनका बना है। आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेज को समझने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर वन, क्यों हुआ है ये डिप, किस वजह से ये डिप आया है, ये आपको समझने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए फॉर पाइल नंबर वन पीपल। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आपके पार्टनर किसको चूज करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। लेट मी लिट अप द कैंडल, तब तक आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं कंप्लीटली वो एनर्जी आप तक पहुंचा पाऊं जो आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर किसको चूज करेंगे, आपको या फिर थर्ड पार्टी को। लेट्स सी दैट। सो पहले तो मैं आपके पार्टनर के जॉडिक साइंस बताऊंगी आपको। आपके पार्टनर के जॉडिक साइंस जो मुझे समझ आ रहे हैं वो कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस एरीज लियो सैजिटेरियस देन स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस और फिर बहुत कम एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। आपके पार्टनर
आपके साथ अपने इस रिश्ते को खत्म कर चुके हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ को कदम बढ़ाने से उनकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर इस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा उन्हें। आप दोनों के बीच में परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पास्ट में शायद उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए होंगे बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि आपके पार्टनर एक्चुअली थर्ड पार्टी के साथ इतने कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि जब भी वो कोई स्टेप लेने की कोशिश करते हैं तो इस थर्ड पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं। उन्हें इस थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी को इम्पोज किया हुआ है। इस वजह से टोटली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली है। आपके पार्टनर के पास ऑप्शन ही नहीं है चुनाव का। उनके अकॉर्डिंग आपने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया है और इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी की टर्म्स में तो जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो अलग बात है, बट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपको लेकर भड़काया भी बहुत है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंप्लीटली यकीन दिला दिया है कि आपके पार्टनर को आपके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हैं और आपके अगेंस्ट भी बहुत सारी ऐसी कुछ बातें कही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब और एफर्ट्स डालना भी नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर की सोच के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है और ये सोच के ऊपर जो पर्दा डाला है वो इस थर्ड पार्टी ने डाला है, और वो भी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करके, और इस चीज की वाइब्रेशन बहुत क्लियर है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज कर ली है। चुनाव की बात तो वहां होती है जहां पर उनका मन हो किसी चीज के लिए। यहां पर उनका मन होता भी अगर होगा तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरीके से बांध कर रखती है कि जो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि वो सोचे वो वही सोचते हैं। आप दोनों का रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से खत्म नहीं हुआ है, दैट आई कैन टेल यू श्योरली। आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको कंप्लीटली खो दिया है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, वो वक्त याद करते हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे वो निहारते हैं और वो आपके रिलेटेड है। कुछ डेट्स हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाती हैं। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वो अपने करियर को लेकर अपनी स्टेबिलिटी को लेकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके साथ उनका कोई फ्यूचर हो सकता है। इस थर्ड पार्टी के साथ जो उनका चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वो उस तरीके से ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। उनकी तरफ से कोई सीरियस एफर्ट्स आपके लिए आज के टाइम पर नहीं है। उनकी लाइफ में धीरे 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 आपकी एग्जिस्टेंस खत्म कर रही है ये थर्ड पार्टी, और ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। ये मैं आपको कंप्लीटली बता रही हूं। आपके पार्टनर के ऑरा की इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन है कि इवन उसको यहां पर महसूस किया जा सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हैं। सिर्फ अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ख्याली पुलाव बना सकते हैं कि हाँ, अगर ईश्वर चाहे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ईश्वर की मर्जी हो तो ऐसा हो जाएगा। उनकी अपनी चॉइसेस ऐसा नहीं है। अपनी चॉइस में उन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए जो अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है,
उसकी वजह से उनकी अपनी चॉइसेस नहीं है। वो अपनी लाइफ में अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि वो ठीक है, लेकिन वक्त और हालात ही ठीक नहीं है। वो अपनी स्टेट को जस्टिफाई करते हैं। अगर उनसे कोई बात करे तो वो ये कहेंगे कि नहीं, वो तो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उस टर्म्स में वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का अटूट प्यार है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत 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 प्यार करते हैं, आप ये महसूस करते होंगे, लेकिन ये प्यार खुद ब खुद नहीं हुआ है, ये आर्टिफिशियल तैयार किया गया है और ये थर्ड पार्टी ने किया है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक दूसरे को लेकर इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है कि आप ना तो उनके जज्बातों को समझना चाहते हैं ना वो आपके जज्बातों को समझना चाहते हैं। और डिवाइन टाइमिंग की जो ये वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपको सच्चा प्यार है तो आप उन तक वापस आएंगे, और यही शायद फीलिंग आपको भी है, बट आप दोनों की लाइफ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डार्क एनर्जी ने, इस ब्लैक मैजिक ने क्रिएट की है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बहाने लगाते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है, और वहां पर आपके पार्टनर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंटली आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, दिस इज अ सरकास्टिक थिंग, कि आपके पार्टनर जो भी एक्शन लेना चाहते हैं या लेने की कोशिश करते हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ पहले शेयर कर देते हैं, और ये थर्ड पार्टी उन्हें सजेशन देती है, उसके बाद ये थर्ड पार्टी उन्हें वक्त लेने को कहती है, उतनी देर में इस थर्ड पार्टी को मौका मिलता है आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी करने का, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में और बड़े ऑब्स्टेकल्स खड़े कर देती है। ये हो रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपका चयन नहीं कर पाते हैं। ये चॉइस नहीं है, ये एक्चुअली उनके दिल की इच्छा है कि वो आपके साथ रहें, बट वो वही देखते हैं जो ये थर्ड पार्टी उन्हें दिखाती है, वो सच्चाई नहीं देख पाते हैं। आपके पार्टनर सच्चाई से बहुत दूर हैं। और अगर आपको कभी भी मौका मिले इन्हीं एनर्जीज के साथ अपने पार्टनर से बात करने का, तो आप उनसे बात करके ये महसूस कर पाएंगे कि आपके पार्टनर वो पर्सन ही नहीं है जिससे आपने प्यार किया था, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज उनकी अपनी एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है। पाइल नंबर टू पीपल, स्पेशली आपके लिए मैं ये बात करूंगी कि आपके पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करना होगा, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को समझना होगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना होगा। उनकी ब्लॉकेज में सबसे बड़ी ब्लॉकेज डार्क एनर्जी की है, लेकिन इंटेंसिटी हर एक केस में अलग अलग होती है, इसलिए आपको अपने पर्सन के लिए और अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेने की जरूरत है, ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि आपके पार्टनर क्यों और कहां अटके हैं। और अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, आप उनके हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है ब्लॉकेजेस के ऊपर, कई बार इतनी इंटेंस नहीं होती है तो रेमेडीज से हो जाता है, और कई बार इतनी इंटेंस होती है कि हीलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस स्टेज पर है कि उनके पास चॉइस ही नहीं है। आप तो ये जानना चाहते हैं वो आपको चूज करेंगे कि इस थर्ड पार्टी को चूज करेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर
चॉइस ही नहीं रखी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपको एक ऑप्शन की तरह रहने भी नहीं देना चाहती है, और इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक ऑप्शन नहीं बनाया है, आपके पार्टनर की कंपल्शन बनाया है, और ये इस थर्ड पार्टी ने किया है। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों अब मजबूर हो चुके हैं, उन्हें रास्ता नजर नहीं आता, वो अपनी जिंदगी से थक चुके हैं। लेकिन आपको उनकी तरफ से मिसिंग वाइब्स महसूस होती होंगी, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, इस बात का एहसास कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली होता होगा। दिस आई कैन टेल यू, क्योंकि वो मिस करते हैं। जब उन्हें इस थर्ड पार्टी की तरफ से पेन का एहसास होता है तो वो आपको मिस करते हैं, वो डिवाइन के सामने प्रे करते हैं कि आप उनकी इस पुकार को सुन लें। सो फॉर पाइल नंबर टू इट इज वेरी क्लियर कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेने की जरूरत है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया है, आपको आज की रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो कि आपके पार्टनर कहाँ फंस गए हैं और वो क्यों नहीं आपको चूज कर रहे हैं, इस बात का जवाब भी आपको आज की रीडिंग से मिला होगा। सो फॉर पाइल नंबर टू आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।